हेलो स्टूडेंट, कल नेट का एग्ज़ाम हो चुका है और होप कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया हो। तो मैंने कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो याद है मुझे, वो हम लोग देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वो देख रहे हैं। ठीक है, जितना याद है वो मैंने लिखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन, और ऑप्शन कुछ इस फॉर्म में दिया है। ठीक है, तो हम लोग प्रोसीड कैसे करेंगे। तो फंक्शन क्या है, एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर जेड अपॉन वन अपॉन जेड। हम लोग जान रहे हैं कि रेसिड्यू निकालते कैसे हम लोग, कि वन अपॉन जेड का कोफिशियंट क्या है, वही हो जाता है हम लोग का रेसिड्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं इस फंक्शन को। तो इसे लिख सकते हैं ई टू द पावर जेड इंटू ई टू द पावर वन अपॉन जेड। ई टू द पावर जेड का एक्सपेंशन वन प्लस जेड स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब इंटू थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन, एंड इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये। दिस इज वन प्लस वन अपॉन जेड है, सो दिस इज वन अपॉन जेड प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर इंटू टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन जेड क्यूब इंटू थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम लोग को क्या चाहिए वन अपॉन जेड। तो हम लोग बस वन अपॉन जेड वाला टर्म का देखेंगे इसका कोफिशियंट क्या आएगा। सो देखते हैं, वन जब वन अपॉन जेड से मल्टीप्लाई होगा तो ये वन अपॉन जेड मिलेगा, फिर ये जेड जब इससे मल्टीप्लाई होगा वन अपॉन जेड स्क्वायर से, तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन जेड, तो दिस इज वन अपॉन टू फैक्टोरियल। फिर ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, एंड ऐसा ही चलता जाएगा। तो अगर हम लोग इसे देखें कि ये कौन से फॉर्म में है, तो हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर इसे सीरीज के फॉर्म में लिखें तो ये आ गया एल फैक्टोरियल इंटू एल प्लस वन का फैक्टोरियल, वेयर एल वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो से इन्फिनिटी जैसे इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ये हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज द रेसिड्यू। ऑप्शन में देखते हैं कि ये कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ हमारा सेकेंड ऑप्शन सेम चीज गिवन है कि ये, तो ये सेक्शन बी का है, तो ये सिंपल हो जाएगा कि ऑप्शन टू हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे प्रोसीड करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। सेकेंड बोल रहा है कि फंक्शन इंटायर है एंड द मॉड ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू ई टू द पावर वाई फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग्स टू सी कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ये भी सिंपल है, तो इसमें बोला गया कि फंक्शन इंटायर है, फंक्शन ये है। सो हम लोग इसे ऐसे प्रोसीड करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसके सॉल्व करेंगे सारे ऑप्शन को एंड मॉड ऑफ वैल्यू निकालते हैं। सो लेट्स से मॉड एफ जेड फर्स्ट ऑप्शन के लिए अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, जैसे मॉड सी ई टू द पावर आई जेड, और जेड का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। सो दिस इज मॉड सी इंटू ई टू द पावर आई, दिस इज एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, सो दिस इज मॉड सी, और यहाँ पे जो था ऑप्शन में ये भी गिवन था कि जो मॉड ऑफ सी है वो लेस देन इक्वल्स टू वन होगा। ठीक है, ये भी गिवन था, तो ये जो मॉड सी है उसका वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू वन गिवन भी है। सो ये आ गया e टू द पावर माइनस आई प्लस आई एक्स। ओके, और ये तो लेस देन इक्वल्स टू वन है, सो दिस इज लेस देन इक्वल्स टू वन। अब यहाँ पे इसे हम लोग कैसे करेंगे, सो दिस इज e टू द पावर माइनस वाई इंटू ई टू द पावर आई एक्स लिख सकते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू, सो ये लेस देन इक्वल्स ही चल रहा है, सो दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज वन इंटू मॉड ई टू द पावर वाई इंटू मॉड ई टू द पावर आई एक्स, और मॉड ई टू द पावर आई थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, वन हो जाता है, इसका वैल्यू वन आ गया, सो दिस इज लेस इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस आई। सो यहाँ से क्या मिल गया कि मॉड एफ जेड लेस देन इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस वाई आया हमारा ऑप्शन नंबर वन के कारण। लेकिन मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे हमारा नेगेटिव आ गया, बट मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव के लिए पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, यहाँ से पता चल गया। सेकेंड के लिए क्या कर रहे हैं, सेकेंड में क्या है ऑप्शन, यहाँ पे ई टू द पावर माइनस आयोटा जेड कर दिया है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग माइनस करेंगे यहाँ माइनस आएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, तो जो ऑप्शन चाहिए था वो मिल गया, तो हमें सेकेंड ऑप्शन यहाँ से ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखते हैं थर्ड क्या है। थर्ड बोल रहा है कि फंक्शन एफ जेड जो भी है वो इंटायर फंक्शन है, तो हम लोग फंक्शन का जो हम लोग कंजुगेट लें उसके बारे में क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चार ऑप्शन गिवन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने के लिए थर्ड के लिए हम लोग सिंपली ये कर सकते हैं कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। फंक्शन क्या बोल रहा है, इंटायर, तो हम लोग एक बेसिक इंटायर फंक्शन को कंसीडर कर ले लेते हैं। लेट्स से एफ जेड इज इक्वल टू जेड है, तो जेड एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्या है, एक इंटायर फंक्शन है। ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है
कि इसका अगर जेड बार कर लें, सो अगर हम लोग यहाँ पे एफ जेड बार निकालें, वो भी क्या आएगा, जेड कंजुगेट। और एक चीज़ हम लोग ये जानते हैं कि जब भी जेड कंजुगेट फंक्शन है ये कभी भी डिफरेंशिएबल ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें सी आर इक्वेशन होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एनालिटिक नहीं होगा, नॉट एनालिटिक, ठीक है, क्योंकि सी आर इक्वेशन ही होल्ड नहीं करता है। तो जब भी जेड कंजुगेट का टर्म आ जाएगा किसी फंक्शन में तो एनालिटिक नहीं होगा, इसका मतलब ये। और हम लोग जब भी एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, उससे डिस्कार्ड कर सकते हैं ऑप्शन को, ठीक है, टिक नहीं कर सकते, बस डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो एफ जेड इसका होल बार है, इसका वैल्यू क्या आएगा, जेड बार आएगा, ये भी नॉट एनालिटिक, तो ये भी गया। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, थर्ड है कि एफ जेड बार का होल बार, सो दिस इज जेड बार एंड बार विच इज इक्वल्स टू जेड, और ये क्या एनालिटिक है। तो ये ऑप्शन हो सकता है सही हो, ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है कि सही हो, बट हम लोग टिक नहीं मार सकते अभी। हम लोग ऑप्शन नंबर फोर को देख लेते हैं पहले। ऑप्शन नंबर फोर क्या है कि एफ जेड प्लस एफ जेड बार, तो ये क्या आ जाएगा, जेड प्लस जेड बार। जब भी किसी फंक्शन में जेड बार का टर्म आ जाए वो एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि सी आर इक्वेशन को होल्ड नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा, बच गया कौन सा, थर्ड। तो थर्ड हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ये सारा सेक्शन बी का क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ में क्या है कि फंक्शन गिवन है वन अपॉन वन माइनस जेड स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये नॉन जीरो है। तो पूछा जा रहा है कि चार ऑप्शन गिवन था कि फंक्शन इंटायर है, सेकंड ऑप्शन क्या था नहीं पता, फिर इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन जो होगा इस टर्म में होगा, जिसमें ए नॉट का वैल्यू वन, ए वन का वैल्यू जीरो, और फोर्थ ऑप्शन है कि ए नॉट का वैल्यू वन, ए वन का वैल्यू वन। तो हम लोग इसे कैसे करते हैं, तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि एफ जेड क्या है, गिवन वन अपॉन वन माइनस जेड स्क्वायर है, हम लोग इसे लिख सकते हैं वन माइनस जेड स्क्वायर होल पावर माइनस वन। इसे हम लोग देन लिखते हैं वन माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर होल पावर माइनस वन, और यहाँ पे एक्सपेंशन लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। सो इसे अगर हम लोग देखें तो ये आ जाएगा वन प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे अगर एक्सपेंशन ओपन करें तो जेड स्क्वायर प्लस टू जेड क्यूब प्लस जेड फोर एंड अप टू सो वन, ऐसा चलता जाएगा। तो ये जो टर्म आ गया वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर प्लस टू जेड क्यूब प्लस सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा हमारा टर्म। ओके, अगर हम लोग इसे इसमें लिखते हैं तो ये हो जाएगा ए एन जेड टू द पावर एन, एन वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, ए एन जेड टू द पावर एन के फॉर्म में है। अब हम लोग देखते हैं कि ए नॉट का वैल्यू कितना है इस जगह, जब एन का वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये कॉन्स्टेंट टर्म ए नॉट वन आ गया, ए वन का वैल्यू कितना है, एन इज इक्वल टू वन पे, तो जेड का पावर जेड में कितना है, ये वन है, तो ए नॉट का वैल्यू वन आना चाहिए, ए वन का वैल्यू वन आना चाहिए टेलर सीरीज एक्सपेंशन में, ये है हमारा ऑप्शन नंबर फोर में। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फोर ट्रू हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं। ओके, हम लोग और कुछ क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। वेल, क्वेश्चन नंबर फाइव अब हम लोग देखते हैं। ये क्या बोल रहा है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन फाइंड आउट करना है ऑन जीरो वन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इंटरवल, ये क्या है, फाइनाइट इंटरवल है, ठीक है। फाइनाइट इंटरवल जब हमारा रहता है, कोई भी इंटरवल जब जीरो वन है, फाइनाइट इंटरवल, तो इस इंटरवल में कोई भी फंक्शन जो है हमारा वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कब होता है, जब लिमिट दोनों एंड पॉइंट पे, जीरो पे भी और वन पे भी, मीन्स फाइनाइट इंटरवल का जो एंड पॉइंट है उस पर अगर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो हम लोग बोलेंगे कि वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, पहला साइन वन अपॉन एक्स, ठीक है। तो जीरो पे जब इसका चेक करेंगे लिमिट, तो क्या हो जाएगा, साइन इन्फिनिटी बनेगा, और साइन इन्फिनिटी जो होगा, साइन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, ऐसे होता है। तो अगर हम लोग जीरो पे चेक कर रहे हैं तो ये बोल रहा है कि माइनस वन और वन के बीच कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, माइनस वन और वन के बीच कोई भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन फाइनाइट वैल्यू नहीं पता है। साइन इन्फिनिटी जो हमारा जो फॉर्म होगा इसका क्या होगा, एनी वैल्यू आ रहा है बिटवीन माइनस वन एंड वन,
तो यहाँ से कोई फाइनाइट वैल्यू तो पता नहीं चला, तो ये तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा नहीं क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर देखते हैं, तो जीरो पे क्या आ जाएगा वैल्यू, ये शायद वन अपॉन था ऐसे था शायद, आई गेस सो। हाँ ठीक है, सो अगर हम लोग जीरो पे देखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, जो कि आ गया वैल्यू जीरो, और वन पे तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, तो ये तो हमारा हो जाएगा। और सेक्शन बी का था तो हम लोग को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं हम लोग। जीरो पे से देखें तो ये तो वन आ गया, फिर यहाँ पे कॉस इन्फिनिटी, कॉस इन्फिनिटी फिर से वैल्यू माइनस वन टू वन, कोई भी फाइनाइट वैल्यू नहीं है। और ऑप्शन फोर कुछ था जो कि मुझे याद नहीं, ऑप्शन तो हम लोग छोड़ चुके हैं ऑप्शन। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ओके, एस क्या है, कोई भी एक इनफाइनाइट सेट गिवेन है, ठीक है, ये डिफाइन नहीं किया है कि वो सेट क्या, बस ये बोला है कि वो सेट इनफाइनाइट है। ओके और बोला है कि ये किसके इक्विवेलेंट होगा, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रैशनल, एस क्रॉस एस, या फिर पावर सेट ऑफ एस। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कार्डिनलिटी यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि अगर हम लोग कार्डिनलिटी निकालें एस का, तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा एल एफ नॉट। ठीक है, एल एफ नॉट से ज़्यादा हो, क्योंकि इन्फाइनाइट सेट जो होता है उसका मिनिमम जो कार्डिनलिटी होगा वो एल एफ नॉट हो सकता है, तो ये एल एफ नॉट से तो ज़्यादा होगा। अब हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि एस जो है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्विवेलेंट है, तो इसे डिस्कार्ड करना काफ़ी ईजी है। अगर हम लोग एस को लिख, टेक एस इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर, हम लोग क्या किए, एस जो सेट है वो इंटीजर ले लिए, इंटीजर सेट भी क्या होता है, एक इन्फाइनाइट सेट होता है, तो क्या इंटीजर जेड इक्विवेलेंट होता है आर के, तो नहीं, क्योंकि जेड का कार्डिनलिटी क्या होता है हमारा, वो एल एफ नॉट होता है, और आर का कार्डिनलिटी क्या होता है, वो कॉन्टिनम होता है सी। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है, ये तो बड़ा है ना, ये अनकाउंटेबल है, ये हमारा काउंटली, ये हमारा क्या हम लोग बोल सकते हैं, ये डिनोमरेबल सेट है। ठीक है, तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं होगा, तो ये तो गया हमारा। फिर हम लोग जो सेकेंड ऑप्शन के लिए आए, तो इसमें भी हम लोग डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एस का वैल्यू ले लेते हैं सेट ऑफ रियल लाइन आर, क्योंकि सेट क्या है इनफाइनाइट, बस बोला है आर ले लिए, और यहाँ पे क्या है क्यू, तो क्या ये क्यू के इक्विवेलेंट है, तो नहीं है फिर से, क्यों, क्योंकि इसका कार्डिनलिटी कॉन्टिनम है, इसका कार्डिनलिटी एल एफ नॉट है फिर से, तो ये भी गया। अब आ गया एस क्रॉस एस के साथ, तो कार्डिनलिटी देखते हैं, तो अगर हम लोग कार्डिनलिटी निकालें एस क्रॉस एस का, तो ये क्या आ जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ एस इंटू कार्डिनलिटी ऑफ एस, और कार्डिनलिटी ऑफ एस क्या है, अगर हम लोग एल एफ नॉट लेके चलें तो एल एफ नॉट इंटू एल एफ नॉट, जो कि होता है एल एफ नॉट का स्क्वायर, विच इज अगेन एल एफ नॉट। ठीक है, ये क्या आ गया, फिर से एल एफ नॉट आया, तो ये तो हमारा हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, और सेक्शन बी का ये प्रॉब्लम है, तो थर्ड ही ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन फोर चेक कर लेते हैं। फोर में क्या बोला है कि पावर सेट ऑफ एस, तो पावर सेट क्या हो जाएगा, टू टू द पावर, जो सेट का जो कार्डिनलिटी है, टू टू द पावर एल एफ नॉट आ जाएगा, तो जो कि हो जाएगा टू टू द पावर एल एफ नॉट का वैल्यू होता है एल एफ वन, तो ये भी हमारा नहीं होगा इसके कारण। ठीक है ओके, और ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। ओके ठीक है, अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर सेवन में, क्वेश्चन नंबर सेवन बोल रहा है कि फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस 2023 एंड नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन है कितना रियल रूट्स होगा पॉसिबल, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि एफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स माइनस 2023। यहाँ पे अगर देखें ये साइन क्या है, प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, साइन चेंज नहीं है, बट यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, एक साइन चेंज है। यहाँ पे हम लोग क्या लगा रहे हैं, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन। ठीक है, तो यहाँ पे वन साइन चेंज है, तो वन साइन चेंज है, और ये साइन चेंज किस में, एफ एक्स में, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वन पॉजिटिव रियल रूट मुझे मिलेगा, वन पॉजिटिव रियल रूट यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये एफ एक्स था। अब हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, ये क्या आएगा, माइनस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस 2023, यहाँ पे साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे कोई भी साइन चेंज नहीं है, नो साइन चेंज, इसका मतलब यहाँ पे जीरो नेगेटिव रियल रूट्स, यहाँ पे एक भी नेगेटिव रियल रूट्स नहीं मिलेगा, मीन्स मुझे एक ही रियल रूट्स मिला जो कि पॉजिटिव रियल रूट्स है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितना होगा, वन हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किया, डिस्कार्ड रूट्स रूल ऑफ साइन लगाए। ओके, तो एक रियल रूट मिलेगा।
अब ये एक सीरीज का प्रॉब्लम है कि इसके बारे में पूछ रहा है कि ये कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा, ये कैसे हो? इसे देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सो एट्थ वन, तो ये जो अगर हम लोग ये जो सीरीज का जो टर्म है अगर ये सीरीज को अच्छे से देखें तो यहाँ पे क्या है, एक बार साइन प्लस रहेगा एक बार माइनस रहेगा, तो ये क्या है, अल्टरनेटिंग सीरीज है। और अल्टरनेटिंग सीरीज के कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए हमारे पास कौन सा रूल है, लिबनीज रूल है। लिबनीज रूल ये क्या बोलता है कि कोई भी अल्टरनेटिंग डिक्रीजिंग सीरीज तभी कन्वर्ज करेगा जब उसका ए एन टेंस टू जीरो हो। तो हम लोग बस चेक कर लेंगे, अगर जीरो को टेंड करेगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन, सो ये क्या आ जाएगा, सो दिस इज लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन एंड फैक्टोरियल एन प्लस वन माइनस फैक्टोरियल एन। हम लोग यहाँ पे रैशनलाइजेशन यूज करेंगे, सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये आ जाएगा माइनस वन टू द पावर एन प्लस वन एंड रैशनलाइज जब कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा और ऊपर कैंसिल हो जाएगा, एन वन बचेगा, ठीक है ये आएगा। जैसे ही एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये जो वैल्यू है ये टेंड कर जाएगा किसको, जीरो को। जैसे जीरो को टेंड किया तो ये जो सीरीज है इसका मतलब ये सीरीज क्या हो गया, हमारा कन्वर्जेंट हो गया। और ये क्वेश्चन है सेक्शन सी का, ठीक है, तो मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो ये कन्वर्जेंट हो गया, मीन्स ये जो डाइवर्जेंट वाला ऑप्शन है वो गलत हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए क्या करेंगे, हम लोग मॉड ऑफ ए एन फाइंड आउट करेंगे। मॉड ऑफ एन जैसे लेंगे तो ये जो टर्म है ये नेगेटिव जो है ये आ जाएगा ये वैल्यू, ओके। और इसके लिए जब हम लोग सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम लोग जब ए एन को हम लोग रैशनलाइज करते हैं वैल्यू, तो ये आ जाएगा एन प्लस वन प्लस फैक्टोरियल एन, ये है हमारा ए एन। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बी एन अपने से डिफाइन कर ले रहे हैं, बी एन का वैल्यू ले रहे हैं वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एन, और ए एन अपॉन बी एन का लिमिट सॉल्व कर रहे हैं। सो ये आ जाएगा एन अपॉन एन प्लस वन प्लस लिमिट एन टेंडिंग टू, ये टेंड करेगा किसको, वन को। ए एन अपॉन बी एन जब वन को टेंड करा, कोई फाइनाइट वैल्यू को टेंड करता, नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू का, इसका ये मतलब होता है कि ए एन सीरीज वैसा ही रिएक्ट करेगा जैसा बी एन रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बी एन हम लोग लिए हैं ये क्या है, ये डाइवर्जेंट है, ये बी एन क्या है, डाइवर्जेंट सीरीज है। इसका मतलब ये जो ए एन है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होगा क्योंकि ए एन भी डाइवर्जेंट हो जाएगा क्योंकि बी एन डाइवर्जेंट है। और कोई भी चीज़ कन्वर्जेंट है बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब वो कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, कन्वर्जेंट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये है लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि एक वेक्टर स्पेस फॉर्म हो रहा है किससे, एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 10, मींस पी 10 एक्स गिवन है, वेक्टर स्पेस जो है हमारा वी एस वो क्या है, वो है हमारा पी 10 एक्स, ठीक है। और एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है जो कि डिफाइंड है टी पी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ओके। तो इसके बारे में पूछ रहा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स ऐसे फॉर्म होगा, तो हम लोग जान रहे हैं कि इसका जो बेसिस होता है, बेसिस क्या होगा, 1x, x square up to x to the power 10 तक, क्योंकि उसी डिग्री तक के लिए बोला है। तो हम लोग जो मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं हम लोग, यहाँ पे बेसिस एलिमेंट लिखेंगे 1x, x square, x cube up to x to the power 10 तक, और यहाँ पे रहेगा एक x to the power 9, और इधर भी बेसिस लिखेंगे 1x, x square up to x 9 and x to the power 10, ओके। अब पहला जो बेसिस है क्या है, जब हम लोग वन को लेंगे तो क्या टी ऑफ वन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो। तो टी ऑफ वन जब ऑपरेट होगा, यहाँ पे क्या है, ये टी ऑफ वन वाला सारा टर्म है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ वन, टी ऑफ एक्स, उसका वैल्यू लिख रहे हैं। टी ऑफ वन क्या है, जीरो, मीन्स ये सारा टर्म जो आएगा वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर क्या है, टी ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन, इसका मतलब यहाँ पे ये वन है तो इसके साथ वन मल्टीप्लाई होगा, बाकी सारा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। टी ऑफ एक्स स्क्वायर जब निकालेंगे ये क्या आएगा, टू एक्स, इसका मतलब ये वन के साथ जीरो रहेगा, एक्स के साथ टू रहेगा। टी ऑफ एक्स क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर,
दिस इज 0 0 0, यहाँ पे 3, फिर 0 एंड दिस दिस, और लास्ट का अगर हम लोग वैल्यू देखें x टू द पावर 10 का, तो ये आ जाएगा 10 एक्स टू द पावर 9। तो x टू द पावर 9 में आ गया हमारा, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, तो मैट्रिक्स कुछ ऐसा फॉर्म हुआ। ओके, कुछ ऐसा चला। तो अगर हम लोग देखें तो ये है हमारा डायगोनल एंट्री, ये हमारा डायगोनल एंट्री तो ये है, और ये जो मैट्रिक्स जो बना ये क्या है, अपर डायगोनल मैट्रिक्स है। ओके, और ये स्ट्रिक्टली अपर डायगोनल मैट्रिक्स है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि टी का डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो हम लोग देखते हैं कि ये जो डायगोनल है डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा कोई भी अपर डायगोनल के लिए, इसका जो डायगोनल एंट्री है उसका मल्टीप्लीकेशन, अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आइगन वैल्यू क्या होता है, डायगोनल जो एंट्रीज होता है वही इसका आइगन वैल्यू होता है, तो सारा यहाँ पे एंट्री क्या है, 0 है, इसका मतलब ऑल आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रैंक पूछ रहा है, तो अगर हम लोग देखें मैट्रिक्स तो ये जो हमारा जो रो है ये बस एक 0 है, बाकी सारा नॉन जीरो रो है, इसका मतलब, और ये क्या है, ये 1 से 10 तक जा रहा है ना, हाँ 1 से 10 तक जा रहा है, तो ये 11 का है, तो यहाँ पे एक ये माइनस हो गया, 11 माइनस 1, तो रैंक आ गया 10। और फोर्थ ऑप्शन कुछ था, आई डोंट नो, भूल गया मैं, बट शायद ये भी ऑप्शन करेक्ट था, तो इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, हम लोग और एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये लीनियर अलजेब्रा का है कि फंक्शन गिवन आर एक्स से इज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, जो एफ एक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन का सेट है उसका, ठीक है, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी एक्स दिया है, तो हमें क्या गिवेन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जी ऑफ एक्स गिवेन है, दो ऑप्शन गिवेन है, ये फाइंड आउट करना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, ये सेक्शन बी से था और ऑप्शन ऐसा था कि 1 is true, 2 is false, उस टाइप से, ठीक है। तो हम लोग ये, और ये जो फंक्शन है ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब जब भी हम लोग इसमें वैल्यू भरें, लेट्स से टी हमारा जब भी पुट करेंगे, एफ टी का वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है कि हमारा टी नॉन जीरो है और 0 एक आइगन वैल्यू है, तो जी टी का वैल्यू क्या होगा, तो अगर एफ टी 0 है ऑलवेज जो कि है, तो टी जी टी का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, वो भी 0 आएगा, क्योंकि एफ टी इज इक्वल टू टी जी टी, तो टी जी टी का वैल्यू 0 आएगा। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि टी नॉन जीरो, इसका यही मतलब हुआ कि जी टी क्या है, हमारा 0 है, क्योंकि टी नॉन जीरो गिवन है। ओके, तो जब जी टी 0 है तो ये तो ऑप्शन हमारा यहाँ से 1 करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है, 1 is true। अब सेकेंड के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या होगा, सेकेंड के लिए फिर से आया टी जी टी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे बोल रहा है कि आइगन वैल्यू 0 के लिए 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल रहा है, भैया यहाँ बात मत करो, वीडियो सुन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टी जी टी 0 है हमारा, ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, तो अब हम लोग देखना है, अब इसके लिए 2 मिल रहा है, और हम लोग एक और चीज जानते हैं कि अल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के, और यहाँ पे जी एम का वैल्यू कितना गिवन है, 2 गिवन है, मीन्स ए एम जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा हमारा, ठीक है, मीन्स आइगन वैल्यू का जो पॉसिबल वैल्यू है वो हो सकता है कि 0 0 0 हो, या फिर इसके जगह हो सकता है कोई भी एक और कोई भी वैल्यू लैम्डा हो जाए, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू ये हो सकता है। अब हम लोग चेक करते हैं, अगर ये तीनों वैल्यू 0 हो गया टी का, ठीक है, तब तो हम लोग जी टी के बारे में बोल सकते हैं वो 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन अगर वैल्यू हमारा लैम्डा हो गया तो क्या है, लैम्डा जी लैम्डा इज इक्वल टू 0, तब तो जी लैम्डा को ही 0 होना होगा, लेकिन हम लोग ये श्योर नहीं हो सकते यहाँ पे कि ये जो लैम्डा है वो नॉन जीरो होगा, ठीक है, अगर वो 0 भी हो सकता है, 0 हो गया तो जी टी के बारे में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो इसलिए 2 गलत है, तो 1 is true, 2 is false। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है मॉडर्न अलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास इक्वेशन फॉर द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, एंड ऑप्शन कुछ ऐसा है। अब हम लोग ये जानते हैं कि जो क्लास इक्वेशन होता है, तो ऑर्डर ऑफ कोई भी क्लास इक्वेशन, कोई भी एलिमेंट लेट्स से ए है, वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, ग्रुप को डिवाइड करेगा, अगर नहीं कर रहा है तो वो क्लास इक्वेशन नहीं हो सकता, सबसे पहले डिस्कार्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 में 3 एक एलिमेंट है जो कि 10 को डिवाइड नहीं करता, मीन्स ये तो नहीं होगा, ठीक है, इस पर देखते हैं, यहाँ फिर से 3 है, ये डिवाइड नहीं करेगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया, अब आ गया ये। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो ऑप्शन है,
1+1+ ये जो है वो सेंटर फॉर्म करता है, तो ऑर्डर ऑफ जो सेंटर ऑफ ग्रुप जी है इसका जो है ऑर्डर 4 आ गया, और ये भी डिवाइड करना चाहिए 10 को, यहाँ पे ये जो 4 आ रहा है हमारा जो सेंटर का, ये भी डिवाइड नहीं कर रहा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 तो ऑलवेज होगा 1+1+1, ठीक है, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, क्लास इक्वेशन। तो हम लोग ये कुछ क्वेश्चन था जो मुझे याद था, तो मैंने वो डिस्कस किया, और जब इसका जो फाइनल सीट आ जाएगा फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ओके।